ॐ नमः शिवाय वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशून् दाम्पतिं वन्दे सूर्यसशाङ्कवह्निनयनम् वंदे मुकुंद नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का खास प्रोग्राम भविष्यवाणी आपके साथ मैं हूँ पंडित चंद्रशेखर शर्मा लेकर आया हूँ आपका साप्ताहिक राशिफल देखते हैं इस सप्ताह किस राशि वाले को क्या मिलता है तो सबसे पहले देखते मेष राशि। राशि तो मेष जो जातक हैं, उनकी धैर्यशीलता में कमी आ सकती है और अपनी भावनाओं को आप बस में रखें। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं आय में वृद्धि होगी और वस्त्रों आदि पर आपके खर्च भी बढ़ सकते हैं शैक्षिक कार्यों में व्यवधान आएंगे संतान को स्वास्थ्य विकार रहेंगे मानसिक शांति तो रहेगी लेकिन फिर भी मन असंतोष रहेगा घर परिवार में धार्मिक कार्य होंगे वस्त्र आदि उपहार में प्राप्त हो सकते हैं अनियोजित खर्चों में वृद्धि होगी लेकिन जीवन साथी से धन की प्राप्ति भी हो सकती है यात्राएं लाभप्रद रहेंगी तो आपके लिए शुभ उपाय है कि आप सिंदूर का टीका अपने मस्तक पर लगाएं अब आते हैं वृषभ राशि वृष राशि के जो जातक हैं उनके लिए माता का सानिध्य व सहयोग मिलेगा बातचीत में आपको संयत रहना है वाणी में थोड़ा कठोरता के भाव रहेंगे संचित धन में कमी आ सकती है प्रतियोगी परीक्षा व साक्षात्कार आदि कार्यों के सुखद परिणाम भी मिलेंगे घर परिवार में धार्मिक संगीत के कार्य होंगे वाहन सुख में वृद्धि होगी और क्रोध एवं आवेश की अधिकता रहेगी दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी और संतान को स्वास्थ्य विकार भी हो सकते हैं लेखनादिकारियों से आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं लेकिन आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है तो आपके लिए शुभ उपाय है कि आप भगवान शिव के ऊपर नित्य प्रति जल चढ़ाए अब आते हैं मिथुन राशि तो मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको संपत्ति से आय में वृद्धि होगी माता से धन की प्राप्ति हो सकती है कला व संगीत के प्रति रुझान बढ़ेगा और नौकरी में कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की संभावना बन रही है स्थान परिवर्तन भी संभव है कार्य क्षेत्र में परिश्रम की अधिकता रहेगी आय में वृद्धि होगी और पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा संपत्ति से आय में वृद्धि हो सकती है संतान की ओर से सुखद समाचार मिल है नौकरी में तरक्की की संभावनाएं बन रही हैं अफसरों का सहयोग मिलेगा आय में वृद्धि भी होगी और वाहन सुख का विस्तार भी संभव है तो आपके लिए शुभ उपाय है कि हनुमान मंदिर में जाकर चौमुखा दीपक जलाएं। अब आते हैं कर्क राशि तो कर्क राशि के जो जातक हैं उनको आत्मविश्वास में वृद्धि होगी कुटुंब परिवार में धार्मिक कार्य होंगे संतान सुख में भी वृद्धि होगी लेकिन आपको क्रोध के अतिरिक्त से बचना है उच्च शिक्षा एवं शोध आदि के लिए विदेश प्रवास की संभावना बन रही है नौकरी में कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के योग बन रहे हैं और स्थान परिवर्तन भी संभव है मन में शांति व प्रसन्नता के भाव रहेंगे आत्मविश्वास से आप लवरेज रहेंगे लेकिन अति उत्साही होने से बचना है माता व परिवार की किसी बुजुर्ग महिला से धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं नौकरी में अफसरों का सहयोग तो मिलेगा लेकिन स्थान परिवर्तन की संभावना भी बन रही है तो आपके लिए शुभ उपाय है कि आप शवा किलो सत नजा चिड़ियों के लिए डालें अब आते हैं सिंह राशि तो सिंह राशि के जो जातक हैं उनके मन में शांति व प्रसन्नता के भाव रहेंगे लेकिन बातचीत में संयत रहना है क्रोध के अतिरिक्त से भी बचना है और शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम हो शोध आदि कार्यों के लिए किसी दूसरे स्थान पर आपको जाना भी पड़ सकता है नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा और स्थान परिवर्तन हो सकता है वाणी में कठोरता का भाव रहेगा बातचीत में इसलिए संयत रहे वस्त्रों आदि की ओर रुझान बढ़ेगा नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे आय में वृद्धि होगी और संचित धन भी बढ़ेगा लेकिन किसी दूसरे स्थान पर आपको जाना पड़ सकता है और मित्रों का काफी सहयोग भी मिलेगा तो आपके लिए जो शुभ उपाय है आप देवी दुर्गा को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। अब आते हैं कन्या राशि तो कन्या राशि के जो जातक हैं उनको स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है परंतु आत्मविश्वास में वृद्धि होगी कार्यों के प्रति जोश व उत्साह रहेगा नौकरी व कार्य क्षेत्र में विस्तार हो सकता है स्थान परिवर्तन की भी संभावनाएं बन रही हैं अफसरों का सहयोग मिलेगा कार्य क्षेत्र में परिश्रम की अधिकता रहेगी मानसिक शांति तो रहेगी लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं नौकरी में कार्यभार में वृद्धि संभव है आय में भी वृद्धि होगी और स्थान परिवर्तन भी संभावित है तो आपके लिए शुभ उपाय है कि आप किसी वृद्ध ब्राह्मण के लिए भोजन करा करके दक्षिणा दें अब आते हैं अगली राशि तुला राशि तो तुला राशि के जो जातक हैं उनको भवन सुख का विस्तार होगा माता पिता का सहयोग भी मिलेगा और वस्त्रों आदि के प्रति रुझान बढ़ेगा संचित धन में धन में कमी आ सकती है पठन पाठन में रुचि रहेगी शैक्षिक कार्यों की सुखद परिणाम मिलेंगे संतान सुख में वृद्धि होगी आय में कमी व खर्चों में वृद्धि की स्थिति हो सकती है अपनी भावनाओं को बस में रखें स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा भवन सुख का विस्तार होगा नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं और घर में धार्मिक कार्य भी हो सकते हैं किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का भी योग है तो आपके लिए जो शुभ उपाय है कि आप गंगा जल का सेवन करें से आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा अब आते हैं वृश्चिक राशि तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं वो अपनी भावनाओं को बस में रखें आत्मसंयत रहें और संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है शैक्षिक व बौद्धिक कार्यों से यश व मान सम्मान में वृद्धि होगी परिवार में शांति रहेगी वाहन सुख में वृद्धि रहेगी परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर भी जा सकते हैं आत्मविश्वास भी बढ़ेगा लेकिन क्रोध की भी अधिकता रहेगी जीवन साथी से आपके वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं माता का व सहयोग मिलेगा और राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी तो आपके लिए जो उपाय है आप अपने खाने में ज़्यादातर पीली वस्तु का सेवन करें अब आते हैं धनु राशि तो धनु राशि के जो जातक हैं उनको मानसिक शांति भी रहेगी फिर भी क्रोध के अतिरिक्त में धार्मिक कार्य होंगे परिवार में सुख शांति रहेगी नौकरी में स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है इच्छा विरुद्ध कुछ नए कार्यों की जिम्मेदारियां भी मिल सकती है कार्य क्षेत्र में परिश्रम की अधिकता रहेगी संतान को कष्ट होगा धर्म के प्रति श्रद्धा भाव रहेगा आत्मविश्वास में वृद्धि होगी कला कलावार संगीत के प्रति रुझान भी बढ़ेगा तो आपके लिए जो शुभ उपाय है कि आप नित्य प्रति भगवान शिव पर जल चढ़ाएं वही आपके लिए लाभकारी रहेगा अब आते हैं अगली राशि मकर राशि तो मकर राशि के जो जातक हैं उनके मन में निराशा का भाव उत्पन्न हो सकता है माता का सहयोग भी मिलेगा लेकिन नौकरी में परिवर्तन का योग भी बन रहा है कार्य क्षेत्र में परिवर्तन संभव है संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है वस्त्रों व गहनों के प्रति रुझान रहेगा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना पड़ेगा किसी पुराने मित्र से भी भेंट हो सकती है आज संयत रहें वाणी में सौम्यता रखें परिवार में हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा कार्य क्षेत्र में परिश्रम की अधिकता अधिक रहेगी तो आपके लिए ये शुभ उपाय है कि आप नित्य प्रति स्नान करने से पहले अपने शरीर पर तेल की मालिश करें इससे आपका स्वास्थ्य लाभ रहेगा अब आते हैं अगली राशि कुंभ राशि तो कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको मानसिक शांति तो रहेगी परंतु असंतोष भी रहेगा परिवार में सुख शांति रहेगी शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी कुटुंब की किसी महिला से धन प्राप्ति का योग भी बन रहा है भाइयों के साथ मनमुटाव हो सकता है बातचीत में संयत रहें वाणी में कठोरता का भाव रहेगा खर्च में वृद्धि हो सकती है शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी और नौकरी में यात्रा पर जाना भी पड़ सकता है आपको मित्रों का काफ़ी सहयोग मिलेगा तो आपके लिए शुभ उपाय है कि आप शनिवार को अपने भजन के बराबर अगर अनाज दान कर सकते हैं तो किसी गौशाला में दान करें अब आते हैं लास्ट राशि मीन राशि तो मीन राशि के जो जातक हैं उनको इस सप्ताह आत्मविश्वास में वृद्धि होगी लेकिन फिर भी आप आत्मसंयत रहें अपनी भावनाओं को अपने बस में रखें माता से भी धन प्राप्ति का योग बन रहा है दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी किसी मित्र के सहयोग से रोजगार का अवसर भी मिल सकता है आय में वृद्धि होगी परंतु आपको किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है आशा निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं परिवार में मान सम्मान भी बढ़ेगा नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं और आपकी लव लाइफ खुशहाल रहेगी तो आपके लिए जो शुभ उपाय है कि आप नित्य प्रति विष्णु सहस्राम स्त्रोत्र का पाठ आज के लिए बस इतना ही अगले सप्ताह फिर हाजिर होते हैं आपके नए राशि फल के साथ ओम नमः शिवाय नमस्कार मंत्रार्था सफला संतु सफला संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिना मित्राणाम मित्राणाम